नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु। तो आज का जो सूत्र है हम अंगुत्तर निकाय से ले रहे हैं। इसके अंदर हमने अभी तक डिपेंडेंट ओरिजिनेशन या प्रतिज्ञा समुपादा का लिया था, उसके अंदर अविद्या से चालू होता है, मगर इसके आगे भी बुद्ध ने इसके बारे में टीचिंग दिया है। वो ज़रा इंटरेस्टिंग है टीचिंग, और हमारे लिए जो बहुत सारा पॉइंट्स है जो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके अंदर आपको हेल्पफुल रहेगा। ये अंगुत्तर निकाय का 10.61 इग्नोरेंस या अज्ञान, 17 जून 2022 जेतवन। अभी भिक्षुओं, यह कहा जाता है अज्ञान का पहला बिंदु नहीं देखा जा सकता है, जैसे कि इससे पहले कोई अज्ञान नहीं था और बाद में यह अस्तित्व में आया, फिर भी अज्ञान की एक विशिष्ट स्थिति देखी जा सकती है। तो पहले बात आपको ये ध्यान करना चाहिए कि इसके अंदर अविद्या से अगर सब चालू होता है तो अविद्या से एक ऐसा स्थिति जब अविद्या नहीं थी ऐसा हम इंगित नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि जब तक बुद्ध देख सकते हैं अपने दृष्टि से तो उन्हें कोई ऐसा बिंदु दिखाई नहीं देता है जहाँ पे संसार नहीं था और ये अविद्या नहीं थी। अविद्या से ही संसार का आगे जाता है ना। आपको पता नहीं है, आप गलत काम करते हैं, फिर उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट से जो भी होता है उसके बाद और काम होता है, फिर आपका ये चक्र चलते रहता है। तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा है कि अज्ञान का पहला बिंदु नहीं देखा जा सकता है। फिर दूसरा बात इसका अंदर, दूसरे सूत्र के अंदर बुद्ध बताते हैं कि इसका अंत भी आप देख नहीं सकते हैं। तो ये है, अगर हम बोले अनंत भी नहीं बोल सकते, मगर हम इतना बोल सकते हैं कि ये हम जो है अंतिम जो है इसका कोई छोड़ नहीं देख सकते। मीन्स अगर हमारे पास बहुत लंबा एक धागा है, हम उसका पहला छोड़ नहीं देख सकते हैं, उसका दूसरा छोड़ नहीं देख सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अनंत है, अनंत हम बोल नहीं सकते। जब तक हम पहला छोड़ देखे, दूसरा छोड़ देखे, तो तभी हम कुछ कह सकते हैं कि कितना लंबा है या जैसा है। तो हमारा संसार कितना लंबा है वो हम बता नहीं सकते, मगर कुछ उदाहरण दिया जाता है, जैसे कि अगर आपने आंसू जो आपने अगर आपने जो संसार के अंदर जो आंसू बहाया है उसको अगर जमा किया जाए तो पूरे सारे विश्व के जो सागर है वो भर जाएंगे। उतना समय आप पृथ्वी पे आके मनुष्य के रूप में उतने आपने आंसू बहाए हैं। उस तरह से आप सोच सकते हैं कि मनुष्य का जन्म लेना ही कितना दुर्भर है। उसने मैंने बताया था कि वो एक कुछ उदाहरण देते हैं कितना दुर्भर है एक मनुष्य का जन्म, मगर उस मनुष्य जीवन के अंदर ही आपके पूरे आंसू जमा किए जाए तो सारे दुनिया के ये महासागर भर जाएंगे। सो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि बहुत बार जन्म और मृत्यु का चक्र चला है। भिक्षु, मेरा कहना है कि अज्ञानता में एक पोषक तत्व है, आहार होता है। मैंने कहा कि हर एक चीज का आहार होता है, जैसे आपका अटेंशन है आपके थॉट्स के हिसाब से, तो वो उस हिसाब से उन्होंने कहा कि अज्ञानता में एक पोषक तत्व है, होता है, यह बिना पोषक तत्व के नहीं है। और अज्ञान का पोषक तत्व क्या है यह कहा जाना चाहिए। पांच बाधाएं क्या है, 5 hindrances बोलते हैं या निवारण बोलते हैं। पहले है सेंशुअल डिजायर मीन्स लोभ, फिर है आपका द्वेष, फिर आपका आता है आलस या निद्रा, फिर आपका विचलन मन का विचलित हो जाना या आपको कोई रिग्रेट जो बोलते हैं पश्चाताप, फिर आता है आपका डाउट या शंकाएं या आप क्या बोलते हैं उसको, तो उसका विचिकिच्छा। सो ये जो चीज़ें हैं, 5 बाधाएं जब होती है तब जो है आप ये आहार बनता है किसके लिए, अज्ञान के लिए। मैं कहता हूँ कि 5 बाधाएं
अज्ञान का सॉरी हाँ अज्ञान का एक पोषक तत्व है, वे पोषक तत्व के बिना नहीं है। और पांच बाधाओं का के लिए पोषक तत्व क्या है, यह कहा जाना चाहिए कि तीन प्रकार के दुराचार पोषक तत्व है। तीन तरह के दुराचार क्या हैं? एक है आपके मन से आप बुरा सोचेंगे, आपके मुंह से बुरा बोलेंगे, जैसे आप शील में बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना, फिर आपको कटु शब्द नहीं बोलना, आपको व्यर्थ का बातें नहीं करना, और दूसरा क्या है, आपको ऐसे बातें नहीं करना जिससे एक दूसरे से झगड़ा करवाते हैं, तो ऐसे बातें नहीं करना। तो वो सारा जो बातों का है। फिर अपना हाथों से क्या, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, मादक द्रव्य नहीं लेना, और ये सारे जो चीज़ें हैं अपना शरीर से हम करते हैं, मिच्छाचार जो बोलते हैं वो मिच्छा लगाने का, वो शरीर से करने वाली चीज़ें हैं। तो वो तीनों चीज़ें आप जब करते हैं तब बाधाएं आती हैं। तीन प्रकार के दुराचार पोषक तत्व है, वे पोषक तत्व के बिना नहीं है। और तीन प्रकार के दुराचार के लिए पोषक तत्व क्या है, यह कहा जाना चाहिए इंद्रियों का संयम, इंद्रियों का संयम नहीं रखना। मैं कहता हूँ कि इंद्रियों का संयम नहीं रखना भी एक पोषक तत्व है, यह बिना पोषक तत्व के नहीं है। तो अभी इंद्रियों का संयम क्या रहता है कि हम किस चीज़ के ऊपर, जैसे हम आँख है तो अगर कोई अच्छी चीज़ लगती है तो हम उसको देखने के लिए भागते हैं, अच्छा म्यूज़िक रहता है, अच्छा स्पीच रहता है, अच्छी कोई भी ध्वनि रहती है वो सुनने के लिए हम भागते हैं, फिर कोई अच्छा सुगंध रहता है उसके पीछे भागते हैं हम, अच्छा स्वाद रहता है उसके पीछे भागते हैं, अच्छा कपड़ा रहता है जो भी आपको स्पर्श करते हैं, कोई अच्छी चीज़ जैसे सॉफ्ट चीज़ें हैं अच्छा चीज़ें के पीछे भागते हैं, कोई अपना अच्छा विचार रहता है उसके पीछे हम भागते हैं। तो सारी चीज़ें जो ये सारी चीज़ों के पीछे हम लोग भागते हैं, तो हमारा इंद्रियों को हम कंट्रोल नहीं करते। कब कंट्रोल नहीं करते, जब हम शिक्षा नहीं कर रहे होते तब हम कंट्रोल नहीं करते, जब हम सही प्रयास नहीं कर रहे हैं तब हमारा कंट्रोल इन इंद्रियों पे नहीं रहता है। जब इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता तो गलत काम होते हैं, क्योंकि अगर आपको ये समझो कोई आपको आईफोन बहुत ही पसंद है और कहीं पे ऐसा पड़ा हुआ मिल गया आईफोन तो आप ले लेंगे, ऐसा बोलेंगे नहीं कि किसका आईफोन है, तो क्योंकि आपका ये चिपकाव है इसके ऊपर, कोई अच्छी चीज़ के ऊपर, तभी आप ये गलत काम अपने हाथों से हो सकता है। अगर आपका इंद्रिया संवर रहेगा, आपको मन में ख्याल भी आएगा, तो आप क्या करेंगे, उसको सही प्रयास से उसका वो विचारों को जाने देंगे, आप शिक्षार कर देंगे उस विचारों को। तो अगर आपका इंद्रियों पे संवर रहता है तो फिर आप का जो है गलत काम अपने इससे नहीं होता है। इंद्रियों के संवर के इंद्रियों का एक मिनट, मैं यहाँ कहाँ पे था, इंद्रिय शक्तियों के संयम के लिए पोषक तत्व क्या है, यह कहा जाना चाहिए सोचना, मीन्स सचेतन। सचेतन का मतलब माइंडफुलनेस भी इंग्लिश में कहा जाता है, या सती कहते हैं पाली के अंदर। आपका जो मन है कहाँ पे किस तरह से कार्य कर रहा है, आपका मन एक जगह से दूसरी जगह किस तरह जा रहा है, और ये किस तरह से अव्यक्तिगत है, और ये किस तरह से आपको दुख पहुँचाता है, वो जानने का जो कार्य है वो आपका सचेतन मन से करते हैं। सचेतन भी रहना चाहिए और स्पष्ट समझ। जब आप बराबर से सचेतन से उस तरह उसको देखते हैं, जैसे हम आपको कहते हैं कि माइंडफुलनेस से रहना चाहिए, अगर वो आप बराबर से देखते हैं तो आपका स्पष्ट समझ भी रहता है। तो ये अगर नहीं रहता है तो क्या होता है कि इंद्रियों पे संवर कैसे कर पाओगे, आपको आपको पता ही नहीं कि आपका मन कहाँ जा रहा है, आपका मन ही कहाँ जा रहा है आपको पता नहीं, तो आप इंद्रियों पे संवर कैसे करेंगे। इंद्रियों पे संवर नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपसे बुरे काम होंगे, बुरे काम होंगे तो हिंड्रेंसेस आएंगे तो अविद्या को और पोषण मिलेगा। तो सचेतन और स्पष्ट समझ की कमी मैं कहता हूँ एक पोषक तत्व है, यह बिना पोषक तत्व के नहीं है। और सचेतन और स्पष्ट समझ की कमी के लिए पोषक तत्व क्या है, यह कहा जाना चाहिए लापरवाह ध्यान, केयरलेस अटेंशन।
लापरवाह ध्यान क्या है, आप ध्यान जो है अपना ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन पे नहीं डालते हैं मगर किसी और चीज़ पे डालते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन आपका जो भी दिया गया है, जैसे आपको कल्याण मित्र है या फिर दिशाएं दी गई है या करुणा है या मुदिता है या उपेक्षा है, उस पर ध्यान बराबर ना देते हुए किसी और चीज़ पे ध्यान देने पे आपका माइंडफुलनेस नहीं रहता है। फिर आपको पता नहीं चलता आपका मन इधर से उधर किस तरह जा रहा है और उस तरह से चक्र चालू होता है। मैं कहता हूँ कि लापरवाह ध्यान भी एक पोषक तत्व है, यह बिना पोषक तत्व के नहीं। और लापरवाह ध्यान के लिए पोषक तत्व क्या है यह कहा जाना चाहिए, श्रद्धा। तो श्रद्धा या आप फेथ बोलते हैं, श्रद्धा ना रहने से क्या होता है आपको पता नहीं रहता है कि आपको किस तरह से कार्य करना चाहिए। तो आपको पहले आपको इसके अंदर विश्वास रहना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं उससे हमको फ़ायदा होगा। अगर आपको फ़ायदा, आपको विश्वास पैदा होगा तो आप अपने जो अटेंशन है, आपकी जो ध्यान है उसको बराबर करेंगे। ध्यान बराबर करेंगे तो आपका माइंडफुलनेस बराबर होगा और आगे आपको बराबर से ये कार्य चलेगा। और श्रद्धा के की कमी के लिए पोषक तत्व क्या है यह कहा जाना चाहिए, अच्छा धम ना सुनना। सो अच्छा धम आप नहीं सुनेंगे तो आपको श्रद्धा में कमी रहेगी। तो हम जो हम बोल रहे हैं बार बार कि हम जब यहाँ पे बुद्ध का वचन पढ़ रहे हैं तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए, जब आपका मन इधर उधर नहीं करना चाहिए। अगर आप अभी है यहाँ पे तो आपका जो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है वो क्या है, जो अभी हम बता रहे हैं जो बुद्ध के वचन है उसके ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए, वो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है। तो आप बराबर सुनेंगे तो आपका जो है श्रद्धा जागेगी, श्रद्धा जागेगी तो उससे आगे अच्छे काम हो गए। सो अच्छा धम ना सुनना, मैं कहता हूँ कि अच्छा धम को ना सुनना भी एक पोषक तत्व है, यह बिना पोषक तत्व के नहीं है। और अच्छा धम को ना सुनने का पोषक तत्व क्या है, अच्छा व्यक्तियों को के साथ नहीं जुड़ना। अच्छे व्यक्तियों के साथ नहीं जुड़ेंगे तो आपको वो अच्छा सलाह नहीं देंगे, आपको अच्छी तरह से बुलाएंगे नहीं। जिसने भी आपको यहाँ पे आने के लिए बोला, मेडिटेशन करने बोला, वो हम कह सकते हैं वो अच्छा व्यक्ति है। जो अच्छे व्यक्ति है, जो उसके अंदर प्रज्ञा है, उनके पास आप जुड़ेंगे, उसके साथ बात करेंगे। अभी तो और आसान हो गया है, व्हाट्सएप है, गूगल ग्रुप है, आयो ग्रुप है, और बहुत सारी तरीके से हम जुड़ सकते हैं अच्छे व्यक्तियों से। और बहुत सारे जैसे तरीके हैं, जैसे जूम है, मीटिंग है, तो आपको अपने घर से भी बाहर नहीं जाना पड़ रहा है अभी। तो ये सारी चीज़ें हम अभी कर सकते हैं इस दौरान में। तो अच्छे लोगों से जुड़ेंगे तो फिर क्या होगा, उससे अच्छा धम को सुनने मिलेगा। जैसे हमारा संडे 6 बजे राजीव दिनेश जी है, वो संडे एक क्लास लेते हैं, और डॉक्टर मधुसूदन जी भी कभी कभी आते हैं वहाँ पे क्लास लेने के लिए। तो वहाँ पे हिंदी के अंदर होता है। फिर हमारे कांति खेमा जी है, वो वेनेसडे और संडे क्लास लेती है। तो उस तरह से आप आएंगे, जुड़ेंगे तो आपको अच्छा धम सुनने मिलेगा। धम सुनने मिलेगा तो आप श्रद्धा जागेगी, श्रद्धा जागेगी तो फिर आगे हम बताएंगे। तो उस तरह से बुद्ध ने कहा है। और अभी एक उदाहरण देते हैं, इसको भी आप बराबर से सुनिए। इस प्रकार अच्छा व्यक्तियों के साथ नहीं जुड़ना, पूर्ण होना अच्छा धम को ना सुनने के से भर जाता है। अच्छे धम को ना सुनने से पूर्ण होने पर श्रद्धा की कमी पूरी हो जाती है। श्रद्धा की कमी पूरी हो जाने लापरवाह ध्यान भर देता है। लापरवाह ध्यान भरा हुआ होने सच्चा और सचेतन और स्पष्ट समझ की कमी को भर देता है। सचेतन और स्पष्ट समझ का अभाव, पूर्ण हो जाना, इंद्रियों संयमों के असंयम को भर देता है। असंयम में संयम नहीं रखना, इंद्रिया संयम का संयम पूर्ण होने से 3 प्रकार के दुराचारों
को भर देता है। तीन प्रकार के दुराचार पूर्ण होने पर होकर पांच बाधाओं को भर देता है। पांचों बाधाओं पूर्ण होने होकर अज्ञान को भर देती हैं। इस प्रकार अज्ञान का पोषण होता है और इस प्रकार यह पूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से अज्ञान का पोषण हम किस तरह से चालू करते हैं, हम अच्छे लोगों से नहीं जुड़ते हैं, अच्छा धर्म नहीं सुनते हैं, अपना प्रज्ञा या अपना जो फेथ जो है श्रद्धा नहीं जगाते हैं, और फिर ये सारा एक के बाद एक होता है। उसके लिए एक उदाहरण के तौर पे बुद्ध आपको एक उदाहरण देते हैं। जब वर्षा पर्वत की चोटी पर मोटे बूंदों में गिरती है तो पानी ढलान के साथ बहता है, और क्या होता है अगर अगर आप माउंटेनिंग पे जाते हैं या ट्रेकिंग पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं, अगर हिमालय में कहीं जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो चालू होता है सारे स्रोतों का, वो कहाँ पे चालू होता है, वहाँ पे माउंटेन के सबसे ऊपर चालू होता है जहाँ पे बारिश होती है, और बारिश होगी तो पानी कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा। तो उसका जो है अगर जो नीचे जाता है तब दरारों नालों और खाड़ियों को भर देता है। तो जब वो दरारें खाड़ियाँ भर जाती हैं तो फिर क्या होता है, ये भर कर कुंड को भर देते हैं, पौंड जो रहते हैं छोटे छोटे पौंड रहते हैं वो भर जाते हैं, ये भरकर झीलों को भर देते हैं, लेक्स जो बड़े बड़े लेक रहते हैं वो भर जाते हैं, ये भरकर जल धाराओं को भर देते हैं। तो जल धारा मीन्स जो अगर छोटे रिवर्स रहते हैं वो जल धाराओं को भर देते हैं, ये भरकर नदियों में बहता है और बड़े समुद्र को भर देता है। तो अभी क्या होता है, ये नदियों में जाता है, फिर ये समुद्र में जाता है, उसे फिर महासागर पे जाता है। इस प्रकार महासागर के लिए पोषण देता है और इस तरह यह पूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से जैसे पानी जैसे ऊपर से नीचे जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उस तरह से ही हमारा जो गलत काम है, जैसे लोगों अच्छे लोगों से ना मिलना, फिर धर्म ना सुनना, उस तरह से अज्ञान पूर्ण होता है। उसी तरह से फिर से इसका वर्णन किया है। अभी जो है हमने बताया किस तरह अज्ञान आता है, अभी किस तरह निब्बान का आता है इसके अंदर। अभी बुद्ध कभी भी बताते हैं कि मैं तुमको खाली जो है ना बीमारी के बारे में नहीं बताऊँ, मैं उसका बीमारी का दवा भी देता हूँ। सो मेरा जो भी कहना है शिक्षा है, वो शिक्षा के अंदर आपको बीमारी भी बताई जाती है और उसका दवा भी बताया जाता है। जैसे चार आर्य सत्य में क्या कहते हैं कि दुख है, फिर दुख का निवारण भी है, दुख का कारण भी है और उसका निवारण भी है, और उसका निवारण के लिए एक पथ भी है, एक फॉर्मूला भी है, एट फोल्ड पाथ जो बोलते हैं, नोबल एट फोल्ड पाथ। तो उस तरह से यहाँ पे उसका फॉर्मूला दिया गया कि इस तरह से इससे हम बाहर भी निकल सकते हैं। मैं कहता हूँ भिक्खु कि सच्चे ज्ञान और मुक्ति के एक पोषक तत्व है। सो सच्चे ज्ञान और मुक्ति क्या होता है, निब्बान को बोलते हैं। सच्चा ज्ञान क्या होता है, जो ज्ञान आपको राग द्वेष मोह से दूर करता है, और क्या है उसके लिए भी एक पोषक तत्व है, वो जो पूर्ण होता है, निब्बान पूर्ण होता है, तो वो कोई खुराक है उसके लिए। वो खुराक क्या है, वे पोषक तत्व के बिना नहीं है, और सच्चे ज्ञान और मुक्ति के लिए पोषक तत्व क्या है, यह कहा जाना चाहिए आत्मज्ञान के सात गुण। आत्मज्ञान के सात गुण सत्त भोजन का बोलते हैं उसको पाली के अंदर। उसके अंदर सात ऐसे चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप ध्यान करते हैं, जब आप ये मेडिटेशन कर रहे हैं उसके अंदर आपको उसका डेवलपमेंट होता है। एक है माइंडफुलनेस सती का, आपका सचेतन का, फिर उसका दूसरा है आपका धम्म का इन्वेस्टिगेशन, तो जो आप धम्म है जो हो रहा है उसके बारे में आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तीसरा है ऊर्जा, मीन्स आप एनर्जी डालते हैं। फिर चौथा है पीति, मीन्स आपको खुश मिलता है, ट्रैंक्विलिटी मीन्स आपको शांति है उसके अंदर। फिर कॉन्सेंट्रेशन है, समाधि है, और फिर उपेक्षा है। सो ये सारी चीज़ों को मिलकर ये सात चीज़ें हैं जो आत्मज्ञान के सात गुण हैं, आत्मज्ञान के सात गुण। सो आत्मज्ञान के सात गुण अगर आप ये मेडिटेशन कर रहे हैं तो पूरी तरह से आप फुल करते हैं।
फुलफिल करते हैं तब आपको सच्चा ज्ञान मिलता है। तो जब आप अरूप जाना में आगे रहते हैं तब ये ज्ञान पूरा होता है। तो तब आपको फिर निरोध समापत्ति का जो आपको अनुभव होगा तब आपको सच्चा ज्ञान और मुक्ति का ये फल मिलेगा। तो आत्मज्ञान के सात गुण में भी मैं कहता हूँ एक पोषक तत्व है, वे पोषक तत्व के बिना नहीं है। और आत्मज्ञान के सात गुणों का पोषक तत्व क्या है यह कहा जाना चाहिए सतिपट्ठाना। सतिपट्ठाना का मतलब है ध्यान के चार परिस्थान। तो ये चार चीज़ें हैं जो आप उसके ऊपर ध्यान करते हैं। एक है काया या जो आपका बॉडी है, दूसरा है फीलिंग है, फीलिंग मीन्स वेदना है, फिर तीसरा है माइंड और फिर धम्म। धम्म का मतलब है कोई भी आपका माइंड स्टेट्स जो रहता है उसके बारे में आप सोचते हैं। तो इसके बारे में मेडिटेशन जो करते हैं तो आपका जो मेडिटेशन के अंदर ये सारे चीज़ें आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है। जैसे आपका शरीर का पता रहता है, आपका वेदना का पता रहता है, आपका मन का पता रहता है और मनस्थिति का पता रहता है। तो ये कोई भी आप मेडिटेशन करेंगे तो उसके अंदर ये चार सतिपट्ठाना पूरे होते हैं। मैं कहता हूँ कि ध्यान के चार परिस्थान में भी एक पोषक तत्व होता है, वो पोषक तत्व के बिना नहीं है। और ध्यान के चार परिस्थानों के लिए पोषक तत्व क्या है यह कहा जाना चाहिए अच्छा आचरण के तीन प्रकार। अच्छे आचरण के तीन प्रकार क्या है? आप अच्छा सोचेंगे, सोचना के अंदर पहला क्या आता है? मेत्ता आता है। तो आप मेत्ता का आपका जो मन रहेगा वो मेत्ता का रहेगा। फिर स्पीच आता है, तो अगर आपका जो भी स्पीच रहेगा वो सही आप बोलेंगे। तो फिर क्या है कि अभी मेडिटेशन के वक्त क्या है आपको मौन रखना है, तो स्पीच का ध्यान रखना है। अगर आप कभी भी बोलते हैं तो कोई भी गलत बात नहीं बोलनी है या जो फालतू की बात नहीं कहनी है। तो आप कोई भी अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो वो आपको ये अच्छा जो है वो आप स्पीच का इस्तेमाल जो है या वाक्य का इस्तेमाल अच्छी तरह से नहीं कर रहे। फिर बॉडी से आपको अच्छा कार्य करना है, तो गलत कार्य नहीं करना है। तो वो आप शील का पालन करेंगे तो वो पूर्ण होता है। वो पोषक तत्व के बिना नहीं है। और ध्यान के चार परिस्थानों के लिए पोषक तत्व क्या है? अच्छा आचरण के तीन प्रकार। मैं कहता हूँ कि तीन प्रकार के अच्छे आचरण में भी पोषक तत्व है, वो पोषक तत्व के बिना नहीं है। और तीन प्रकार के अच्छे आचरण के लिए पोषक तत्व क्या है यह कहा जाना चाहिए इंद्रियों का संयम। सो इंद्रियों का संयम, अगर आपने अपना जो बातचीत और ये आपका मन और वाक्य और अपना शरीर को बराबर से काम करें तो आपका इंद्रियों का संयम होगा। इंद्रियों का संयम का भी मैं कहता हूँ एक पोषक तत्व है, ये बिना पोषक तत्व के नहीं है। और इंद्रियों के संयम के लिए पोषक तत्व क्या है यह कहा जाना चाहिए सोचना, सचेतन मीन्स सती या माइंडफुलनेस और स्पष्ट समझ। तो आप अगर जो ये सच आपका माइंडफुलनेस रहेगा तो फिर आपका इंद्रियों पे कंट्रोल रहेगा। सचेतन और स्पष्ट समझ में भी कहता हूँ कि एक पोषक तत्व है, वो पोषक तत्व के बिना नहीं है। और सचेतन और स्पष्ट समझ के लिए पोषक तत्व क्या है ये कहा जाना चाहिए सम्यक ध्यान। मीन्स आपने बराबर से किसी चीज़ के ऊपर आपका अटेंशन रहना चाहिए, मीन्स केयरफुल अटेंशन। मैं कहता हूँ कि सम्यक ध्यान भी एक के लिए एक पोषक तत्व है, यह बिना पोषक तत्व के नहीं है। और सम्यक ध्यान के लिए पोषक तत्व क्या है कहा जाना चाहिए आस्था। आस्था मीन्स आपका फिर से आपका ये जो फेथ आता है, विश्वास आता है, उसका आप रहेंगे तो आप बराबर से चीज़ों पे अपना ध्यान डाल सकेंगे। मैं कहता हूँ कि आस्था के भी एक पोषक तत्व है, यह बिना पोषक तत्व के नहीं है। और आस्था के लिए पोषक तत्व क्या है यह कहा जाना चाहिए अच्छा धम्म को सुनना,
मीन्स अच्छा धर्म को सुनेंगे तो आस्था आपकी जागेगी। अच्छा धर्म को सुनना मैं भी कहता हूँ एक पोषक तत्व है, यह बिना पोषक तत्व के नहीं है। और अच्छा धर्म सुनने के लिए पोषक तत्व क्या है, क्या है अच्छा धर्म सुनने के लिए पोषक तत्व? अच्छे व्यक्तियों के साथ जुड़ना। ओके, तो उस तरह से ये आपका जो चक्र है फिर से होता है। तो अभी क्या होता है कि आप इस प्रकार अच्छे व्यक्तियों के साथ जुड़ना, पूर्ण होना, अच्छा धर्म को सुनना भर जाता है। अच्छा धर्म को सुनकर पूर्ण होने से आस्था भर जाती है। आस्था पूर्ण होकर सम्यक ध्यान से भर जाता है। सम्यक ध्यान पूर्ण हो जाते हैं तो सचेतन और स्पष्ट समझ भर जाता है। सचेतन और स्पष्ट समझ पूर्ण होकर इंद्रियों के संयम को भर देता है। इंद्रियों का संयम पूर्ण होने से तीन प्रकार के अच्छे आचरण को भर देता है। तीन प्रकार के अच्छे आचरण पूर्ण होकर ध्यान के चार परिस्थान, जो चार चीज ध्यान का आपको ध्यान रखना है, को भर देता है। ध्यान के चार परिस्थान पूर्ण होकर आत्मज्ञान के सात गुणों को भर देता है। आत्मज्ञान के सात गुणों को पूर्ण होकर सच्चे ज्ञान और मुक्ति को भर देता है। इस प्रकार सच्चे ज्ञान और मुक्ति के लिए पोषक होता है और इस तरह वे पूर्ण हो जाते हैं। तो फिर एक बार फिर अभी क्या करते हैं बुद्ध, फिर से आपको वो पानी का उदाहरण देते हैं। जैसे आपको पानी पहाड़ों में भरता है, फिर नालों नदियों में बह के फिर वो महासागर को भरता है, क्योंकि जब चालू होता है वो पहाड़ में चालू होता है, मगर वो अंत कहाँ पे होता है, महासागर में होता है पानी का। तो उस तरह से आपका जो, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो उसी तरह से आपका अच्छा काम आपको अंत तक लेके जाएगा। तो आपका अच्छा काम क्या, अगर जो यहाँ पे हम आपको बताते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो आप माइंडफुलनेस रखते हैं, आपका मेत्ता पे ध्यान रखते हैं, करुणा पे है, मुदिता पे है, उपेक्षा पे है, और उस तरह से आपका ध्यान अगर आप करेंगे, आप इंस्ट्रक्शन जो दे रहे हैं वो सारा जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर यहाँ पे आपको टोटल में दिया गया है। और इसको अज्ञानता से भी पता चलता है कि अज्ञानता का भी एक पोषण है, अज्ञानता के लिए भी एक कारण है। तो आप, कुछ लोग बोलते हैं कि आपका जो मन में इस तरह कुछ ख्याल आते हैं, आपको कभी विचलन हो जाता है, वो सब का कारण भी यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि आप ये तीन प्रकार के कार्य बराबर नहीं करते हैं तो आपका क्या होता है कि आप जो है शील तोड़ रहे हैं। तीन प्रकार के गलत कार्य करने से क्या होता है, पांच जो बाधाएं आती हैं। तो ये बाधाओं का भी आपके कर्मों से संबंध है। तो अगर आप ये अभी आप इसका ध्यान रख रहे हैं आपका मेडिटेशन के अंदर, तो फिर क्या होगा, आपको आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि आपका जो आप पता चल रहा है कि अगर आपने कर्म गलत किए हैं उससे आपके जो निवर्ण आते हैं, आपके बाधाएं आती हैं, तो अभी क्या करेंगे, आप कर्म को आप स्वस्थ करेंगे, स्वच्छ करेंगे आपके कर्म को, अच्छे कर्म करेंगे तो फिर आगे बाधाएं नहीं होगी। तो आप अगर अपने जो आठ शीलों का पालन अगर भी कर, जिसने जिसने किया है वो पाएगा कि अपना जो मन है शांत हुआ है। हाँ, तो आज किसी ने कहा वो 4 घंटे बैठे थे मेडिटेशन के अंदर, जब स्टार्ट किया तो 4 घंटे नहीं हुए थे ना, जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन फॉलो किया और इस तरह से शील पालन किया तभी वो पॉसिबल होता है। तो अगर आप ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, आप शील पालन करेंगे और अच्छी तरह से ये रहेगा, कभी कभी क्या होता है कि शारीरिक चीज़ें रहती हैं, मगर ऐसा नहीं है कि 4 घंटा बैठना है अच्छा है, 1.5 घंटा बैठना अच्छा नहीं है, वो कभी कभी शारीरिक लिमिटेशन रहता है, कभी कभी हर इंसान का लिमिटेशन रहता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंबा बैठना ही अच्छा है, कभी कभी लंबा बैठ के भी आपको ये आप जो है प्रोग्रेस नहीं करते, क्योंकि आप अच्छी तरह से उसको करते नहीं हैं। कभी कभी आप 1 घंटा बैठते, 1.5 घंटा बैठते, मगर वो 1.5 घंटा अच्छा बैठते तो आपका प्रोग्रेस भी होता है, क्योंकि आप जो इंस्ट्रक्शन है,
जो हमने सही प्रयास दिया है वो सही प्रयास आप करेंगे तो उसका आपको फल मिलेगा। तो सही प्रयास आप करेंगे तो ये सारा चीज़ें पूर्ण होगा। और आपको ध्यान रखेंगे कि अच्छे व्यक्तियों से जुड़ना चाहिए, हमको अच्छा धर्म सुनना चाहिए, अच्छा धर्म सुनेंगे तो हमारा श्रद्धा बढ़ना चाहिए, श्रद्धा बढ़ेगा तो हम कहाँ पे अपना ध्यान डालते हैं वो आपको पता रहना चाहिए। आप अगर अपना ध्यान सही जगह पे डालते हैं तो आपका माइंडफुलनेस सती आपकी सुधरती है, सती सुधरती है तो आपके जो इंद्रियों पे संवर रहता है, इंद्रियों पे संवर रहता है तो आप शील नहीं तोड़ते हैं, शील नहीं तोड़ते तो आपको पांच तरह की निवरण नहीं होती है, निवरण नहीं होती तो फिर क्या होता है कि आपका ज्ञान को खुराक नहीं मिलता है, तो आपका ज्ञान इस तरह से कम होता है। तो अगर बुद्ध कहते हैं कि अगर आपने पांच शील का पालन किया पूरी तरह से और आपने बुद्ध धम्म संघ के ऊपर कंटेम्पलेट को क्या शब्द बोलेंगे, इसके बारे में विचार किया और उसके बारे में सोचा तो आप सोतापन्ना हो सकते हैं इतना ही करने पे। तो ये चीज़ जो है आपका, जो आप कहते हैं हमको कि मैं अभी बात नहीं करूँगा, फिर आप बात करते हैं तो क्या करते हैं, आपका शील तोड़ रहे हैं, आपने अपना वचन दिया और वो वचन तोड़ रहे हैं, तो वो आपको समझ में नहीं आता कि क्या किस लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि ये अज्ञान से ही होता है आपका तोड़ना। तो आपको यहाँ पे ज्ञान मिलता है कि ये इस तरह से, ये चीज़ क्या आता है कि आपका मेडिटेशन में किस तरह से आता है, व्याकुलता की तरह आता है, क्योंकि आपने शील तोड़ा है तो आपको पता ना हो मगर आपके मन को पता है और मन व्याकुल होता है। जब वो मन व्याकुल होता है तो क्या होता है, आपका मेडिटेशन बराबर नहीं रहता है, आपका जो आप बैठे हैं बराबर नहीं होता है, फिर आप फिर उठ जाते हैं, फिर भाग जाते हैं उससे, फिर उस तरह से आपका ये चक्र चलते ही रहता है। तो आपको बुद्ध जो है पूरी तरह से इंफॉर्मेशन देते हैं। वो लोग बुद्ध बोलते हैं मैं अगर आपको बीमारी बता रहा हूँ तो बीमारी का दवा भी दे रहा हूँ मैं ऐसा, और वो बोलते हैं कि जब मैं देखता हूँ समझता हूँ उसी के बारे में बात करता हूँ, जो मैं नहीं देख सकता नहीं समझ सकता। तो जब बुद्ध है दुनिया के शुरुआत के बारे में कुछ नहीं कहते, दुनिया के अंत के बारे में कुछ नहीं कहते, संसार के अंत के बारे में या शुरुआत के बारे में, क्योंकि वो उनके जो स्कोप से बाहर हैं तो वो नहीं कहते। मगर सारा जो चीज़ें हैं आपको जितना आपको चाहिए आपको निब्बान तक पहुँचाने के लिए वो बताते हैं। तो यहाँ पे भी सारा चीज़ कहाँ पे अंत होता है, निब्बाना में अंत होता है। बुद्ध ने एक बार कहा कि एक जंगल में थे और उन्होंने हाथ में एक मुट्ठी भर ये लिया, पत्ते लिए। तो मुट्ठी भर पत्ते लेने के बाद उन्होंने कहा कि मैं जो तुमको सिखाता हूँ ये मुट्ठी भर पत्तों की जितने हैं, मगर जो मैं जानता हूँ ये जो पूरा वन के अंदर जितने पत्ते हैं उतना मैं जानता हूँ, मगर मैं आपको कितना बता रहा हूँ सिर्फ मुट्ठी भर पत्तों के हिसाब से, हैंडफुल ऑफ लीव्स करके है, सिमिली ऑफ द हैंडफुल ऑफ लीव्स करके, मीन्स हाथ के अंदर जितने पत्ते हैं उतना ही बताते हैं जितना आपको निब्बान तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है। तो 84,000 सुत्तास जो है उन्होंने दिए हैं बुद्ध ने, उतना जो है उनके हाथ मुट्ठी भर उनका जो नॉलेज है, मगर वो नॉलेज से आप निब्बान तक पहुँच सकते हैं। तो ये जो आपको सारा जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो आप फॉलो करना है और उससे आपको आगे बढ़ना है। तो ये आज का हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और हम फिर क्वेश्चन आंसर्स फिर ले लेंगे। साधु साधु।